मनुष्य योनि देव तो 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ी थी माँ को, उसके बाद नरक से बाहर निकलने के बाद। भगवान से पूछो कि क्या हर इंसान को ऐसे भोगना पड़ता है 84 लाख योनियां, क्योंकि ये संदेश हम सारे संसार को देना चाहते हैं। जो लोग गलत फहमियों का शिकार हैं, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं। क्या हरेक इंसान को इसी तरह 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मानुष का शरीर मिलता है? पृथ्वी का संचालन शक्ति शक्ति से बिना मान शक्ति में स्वयं की मनुष्य को पहले योनि भोगनी होती है। इन योनियों में भी कष्ट कष्टों का विभाजन होता है। कईयों को सुख कईयों को दुख कईयों को सुख और दुख अवश्य मिलता है। तो सभी योनियां भुगतनी पड़ती हैं हम सभी को। इसका मतलब है कि इंसान कभी जानवर भी था, कभी पेड़ पौधे भी था, सूक्ष्म प्राणी भी, सूक्ष्म प्राणी भी था, पेड़ पौधा भी था। ओके। भगवान से थोड़ी सी ये भी प्रार्थना करो, क्या हमारा जन्म दूसरे प्लेनेट पर भी होता है, दूसरे ग्रह पर भी? एक थाल में अनेक थाल अनेक थाल हैं। ओके। ईश्वर ने सबको हवा में फैला रखा है। सबको हवा में फैला रखा है। ये थाल का मतलब है अलग ब्रह्मांड। आज के युग में गैलेक्सी गैलेक्सी। ओके। आज के युग में गैलेक्सी, परफेक्ट। ठीक है, तो अलग अलग गैलेक्सी पर भी जन्म हो सकता है हमारा, अवश्य हो सकता है। पृथ्वी के अलावा कितने ऐसी जगहें हैं जहां पर जन्म हो सकता है? अनगिनत ऐसी अनगिनत जगहें हैं जहां पर जन्म हो सकता है, परंतु प्रलय को नहीं टाल सकते। प्रलय को नहीं टाल सकते। इस थाल के इस कोले पे ते भी मनुष्य कल के अवतार तक रहेंगे, इन सबका अधर सीना सीमा सब कुछ लांघकर आगे बढ़ गया है। ईश्वर का धर्म है इस कुल को सच करना, सबको स्पष्ट करना। ओके। ईश्वर स्वयं करेंगे ये कार्य। ओके ओके जल्दी। ओके। आप अपने जन्म के बारे में भी पूछ सकते हैं कि प्रभु से? ईश्वर समय नहीं बता रहे। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो उनको अच्छा लगे। आप अपने जन्म के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका इससे पहले के जन्म कहाँ कहाँ हो चुके हैं, जस्ट संक्षेप में, ताकि थोड़ा सा ये संदेश हम दुनिया को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्लीज थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आप लोग आपने भी जन्म भोगे और फिर आप इस राजकुमारी के अवतार में आए थे, उससे पहले आपने कितना कुछ भोगा था। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको अभी आपको रिलैक्स कर देंगे। जस्ट संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि आप किस किस रूप से होकर आए हैं, भगवान जी से एक बार पूछिए। ये मैसेज हम सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, इसलिए 84 लाख योनियां आपने भी भुगती हैं। हर बार भुगती हैं, बार बार भुगती हैं। ये छेमा जन्म है, मनुष्य रूप में छेमा जन्म है ये। इससे पहले आपने बाकी सब रूपों में आप आ चुके हो, किस किस रूप में आए हो आप यहाँ पर, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? राजकुमारी से पहले आप किस रूप में आए थे?
द्वारपाल के रूप में और सारथी के रूप में और सेना के रूप में किसान के रूप में आए। ये सब मानुष्य जन्म थे आपके। कितनी बार मनुष्य का जन्म लिया था आपने? लगभग ये 6वां जन्म है मनुष्य का। उससे पहले और 6 जन्म पहले क्या थे आप? क्या थे? गायिका गायिका थे। गायिका गायिका और उससे पहले? नेत्र नेत्रिका, नर्तिका। ओके। और उससे पहले? जब आप पहली बार पशु योनि से इंसान की योनि में आए थे, मैं चाहता हूं एक बार प्रभु कृपा करके बता दें, क्योंकि बहुत से लोगों को गलत फहमियां हैं कि इंसान कभी पशु रूप में नहीं आता। ये गलत फहमी दूर हो जाएगी इसके माध्यम से। प्लीज बताएं, उससे पहले आप किस रूप में थे? क्या आपने पशु रूप में भी संसार में आए थे आप कभी? के बीच में छह मनुष्य योनियों के बीच में 84 लाख योनियां भुगती थी हर बार। तो आपने अपने आप को किस योनि में, किस अलग रूप योनि में देखा है? आपने पशु रूप में किस रूप में देखा है? कौन सी थी? गज की थी, हाथी की। मेरा वध किया भूख से। ओके। आपके दांतों के लिए आपका वध किया गया था, मुझे भूख आपको भूखा रखा गया था। दांतों के लिए आपका वध किया गया था। फिर आपको इंसान का जन्म कैसे मिला? इसी जन्म के बाद आपको इंसान का जन्म दिया गया। ओके ओके। उससे पहले और जानवरों के रूप में भी आप आए थे, जैसे सिंह सिंह थे और मोर मोर और सब कुछ। और सब अलग अलग रूप में। कभी आप जल के जीव भी थे, मछली भी बने थे? मछली भी थे। मैं सूक्ष्म प्राणी से लेके विशाल हाथी तक सब जन्म आपने ले रखे हैं। कभी आप पहाड़ पेड़ पहाड़ भी थे, चट्टान भी थे, नदी, पहाड़ पे उगने वाला वृक्ष थे आप। ओके। सब आपने ये जन्म देखी हैं अलग अलग। कमल का फूल भी थे। इन जीवन में रहते हुए आपने क्या सीखा? उन जीवन में केवल दुख है, केवल पीड़ा होती है? केवल दुख पीड़ा से बढ़कर एक सुख है, एक सुख है, वो क्या? ईश्वर ईश्वर का नाम। 84 लाख योनियों में ईश्वर अवसर देता है, माफी का अवसर देता है। ईश्वर में लीन, ईश्वर के प्रेम में लीन, ईश्वर के प्रेम में लीन, ईश्वर के प्रेम में लीन। ईश्वर के प्रेम में लीन। तो इन सभी अवसर से आप निकलकर फिर आपको ये मानुष का जन्म मिला। ओके अब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? आप भगवान जी से एक बार पूछें कि हम इस संसार में क्यों आते हैं, थोड़ा कृपा करके बताएं ताकि ये मैसेज सभी को दिया जा सके। कर्तव्य, धर्म और सबको जानते हैं कलयुग के इन सबको जानते हैं कलयुग के मनुष्य। परंतु
इनका आह्वान नहीं करते, इनका आह्वान नहीं करते, विरुद्ध जाते हैं, विरुद्ध जाते हैं। तेईस प्रकार की पीड़ाओं का आगमन करते हैं, जैसे अपने स्वार्थ के लिए, पशुओं का वध, अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का वध करना। भगवान जी इसे बहुत बुरा कर्म मानते हैं, बहुत बुरा इस। किंतु अपने स्वार्थ के लिए किसी और का स्वार्थ, किसी और का सुख, जीवन नष्ट करना, उसे तड़पाना, पेड़ पौधे ईश्वर ने लोगों के लिए ही बनाए, परंतु मनुष्य ने सब तबाह कर दिया, सब तबाह कर दिया। इस विश्व में सबसे विशाल वन, विशाल वनों में से एक है Amazon, हाँ, के नाम से प्रसिद्ध। हाँ, वहाँ भी अग्नि का विशाल विशाल तांडव हुआ, विशाल तांडव हुआ। अभी बहुत कुछ समय पहले ही तो इतना सारा खतरनाक वहाँ पर आग लगी थी, परंतु मनुष्य फिर भी नहीं समझ रहे, मनुष्य फिर भी नहीं समझ रहे अपनी तरक्की के साथ पृथ्वी के अंश को तबाह कर रहे हैं। अपनी तरक्की के साधन पृथ्वी के अंश को तबाह कर रहे हैं। सब कुछ संजो के चले, अपने स्वार्थ में जिए, परंतु दूसरों के बारे में अवश्य विचार करें, महान ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी अधर्म के मार्ग पर ना चले। जी, महान धर्म ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी अधर्म के मार्ग पर ना चले। ईश्वर का हृदय विशाल, सबके लिए माफी है, सबके लिए, परंतु जो स्वयं को माफ ना कर पाए उसे ईश्वर भी माफ नहीं करते, जो स्वयं को माफ ना कर पाए उसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। हर कोई अपनी अंतरात्मा से जानता है कि वो धर्म कर रहा है, स्वयं के माता पिता से अधर्म कर रहा है, जगत दाता जगत जननी से अधर्म कर रहा है, परंतु अंतरात्मा से चाह कर भी नहीं कर पाता, इसलिए ईश्वर स्वयं नहीं आएंगे, केवल स्वच्छ करने ही आएंगे, अंतरात्मा का आदेश, उनका धर्म और कर्तव्य रहेगा। हाँ जी, कुछ लोगों का इस बारे में भी सवाल होता है कि जैसे हमारा लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनल लक्ष्य क्या है, क्या हमें मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए या भक्ति मांगनी चाहिए परमात्मा से? भक्ति तो केवल माध्यम है, भक्ति माध्यम है, केवल माध्यम। लक्ष्य क्या है? मोक्ष। जो लोग बार बार सेवा के लिए संसार में आने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु उनकी ये प्रार्थना सुनते हैं? उनको मोक्ष ना मिले, केवल सेवा का मौका मिले, क्या ये अच्छी बात है? ईश्वर अवश्य। ईश्वर कभी नहीं रोकते, ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, कभी नहीं रुकते। क्या हमारी आत्मा ही परमात्मा का रूप होती है? आत्मा
शब्द ही परमात्मा से मिला है। आत्मा शब्द ही परमात्मा से मिला है। वो परमात्मा है और हम आत्मा है। हमारे जीवन का लक्ष्य अपने परमात्मा से मिलना। शाल सागर में हम केवल बूंद है। विशाल सागर की हम केवल एक बूंद है। मुझसे वंचित है। जिस क्षण ये बूंद विशाल सागर में मिल जाए इस आत्मा का अस्तित्व भी परमात्मा बन जाएगा। किसी का लक्ष्य विशाल सागर में समाना भी और विस्तार से बताएं मोक्ष के लिए इंसान क्या करे आज के समय में, क्योंकि इंसान सिर्फ इतनी भाषा को नहीं समझता। थोड़ा सा और विस्तार से मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। परमात्मा स्वयं ईश्वर केवल कंधर कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य जानता है उसका कर्म धर्म जानता है। तो उसे अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, समझना चाहिए इस आभास को। यदि मनुष्य को अपने हृदय की वाणी पर भी संदेह हो तो अपने एहसास को समझे। अपने एहसास को समझे। हर निर्णय से पहले मिलने वाला एहसास सही मार्ग का परिचय करा देता है। हर निर्णय से पहले होने वाला एहसास सही मार्ग का परिचय करवा देता है। ईश्वर मुझे वापस जाने को कह रहे हैं। ओके, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो हमारी तरफ से।